अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज है 19 जनवरी और इस वक्त मौसम है -4, लेकिन फील्स लाइक -11। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बर्फ़बारी जारी है। तो दो तीन दिन पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने आपको एक यहाँ आने वाले तूफ़ान के बारे में बताया था और हमने उसको ट्रैक किया था, एक दो दिन देखा था कि क्या कंडीशन थी। फॉर्चुनेटली वो तूफ़ान इतना शदीद नहीं था और वो गुजर गया। उसमें स्नो एक्युमुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, अलबत्ता हवाएं तेज़ थी, बारिश थी। और आज है जो वह है बर्फ़बारी, जो ओहायो का नॉर्मल मौसम है। यहाँ पे सर्दियाँ काफ़ी शदीद होती हैं और साल में ख़ासकर 5-6 महीने जो हैं वो आपकी सर्दी चलती है। यहाँ पे मार्च और अप्रैल और मई में भी इवन स्नोफॉल होती है। आज जनवरी का एक यूजुअल दिन है, बर्फ़बारी जारी है हल्की हल्की, टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर गया। स्कूल से छुट्टियाँ हैं आज क्योंकि एक्युमुलेशन होनी है स्नो की ज़्यादा। तो मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे करीबी एक पार्क है, लेक है, मैं वहाँ जाता हूँ, ड्रोन शॉट्स लेने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता ड्रोन उड़ सकेगा नहीं उड़ सकेगा, लेकिन मैं ये एरिया आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये स्नो में कैसा लगता है। बहुत खूबसूरत जगह है, फॉल में बहुत प्यारी लगती है। मैंने अपने व्लॉग्स में आपको कई दफ़ा दिखाई है, अगर आप देखना चाहें तो मैं उसका लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज चलते हैं, स्नोफॉल चेक करते हैं और देखता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ तो जो भी सिचुएशन है मैं वो आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ रहिएगा। मैं इस वक्त मॉस्किटो स्टेट पार्क में पहुंच चुका हूं, मॉस्किटो लेक स्टेट पार्क इसका पूरा नाम है और ये स्टेट पार्क है। तो किसी दिन मैं बताऊंगा स्टेट पार्क्स और आम पार्क्स में क्या फ़र्क है। मैं जैसे ही आया हूं तो हवा थोड़ी तेज़ हो गई है तो बर्फ़ लग रही है मुंह पे, छोटे छोटे फ्लरीज हैं लेकिन इन्होंने आज जमा होना है। मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं ये एक झील है जो इस वक्त बिल्कुल जमी हुई है और मैं ड्रोन शॉट्स लेने का इरादा कर रहा हूँ। अगर हवा ज़्यादा ना हुई तो ड्रोन शॉट्स भी लूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहे हैं कि छोटे छोटे टेंट्स लगे हुए हैं झील के सेंटर में। झील बिल्कुल फ्रोज़न है तो बिल्कुल सेंटर में आप अगर देखें एक रेड है, फिर ब्लू है, फिर उधर पीछे भी लगे हुए हैं जो नज़र नहीं आ रहे कलर्स उनके। तो ये लोग टेंट्स है, ये फ़िशिंग कर रहे हैं लोग, ये वहाँ जा के इन्होंने फ़िशिंग की है। मैंने कुछ वीडियोज़ देखी है, मुझे इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो झील जो है वो बिल्कुल जम चुकी है, काफ़ी बड़ी झील है। मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं स्नो से पहले और बाद की वीडियोस में आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको अंदाज़ा हो गया कितनी बड़ी झील है। एक्चुअली ये रिजर्वायर है। Thank you.
सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरे ख्याल से ये बेहतर टाइम है कि मुझे ग्लव्स और टोपी शोपी पहन लेनी चाहिए इससे पहले कि तबीयत ख़राब हो। अच्छी बात, आपने गौर किया होगा कि बर्फ़ पड़ रही है और मैं रास्ते में आते हुए मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं, साथ साथ इसको क्लियर भी करते जा रहे हैं, तो जिस वजह से रोड्स जो हैं वो एटलीस्ट क्लियर हैं। आई एम ऑलरेडी और अब थोड़ा मेरा सर्दी का बचाव हुआ है। मुझे एक शेल्टर नज़र आया है ये सामने, यहाँ पर मैं जाता हूँ ड्रोन सेटअप करता हूँ। ऊपर थोड़ा सा सूरज हल्का सा नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं, तो चलें ड्रोन सेटअप करते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बतानी है और वो ये है कि जब स्नो पड़ रही हो तो तब जो है वो टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, मतलब वो आपको ज़्यादा इतनी सर्दी फील नहीं होती, लेकिन बर्फ़ पड़ने के बाद और बर्फ़ पड़ने से पहले बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो अभी टेम्परेचर जो है मुझे एटलीस्ट सही लग रहा है, बर्दाश्त के काबिल है। ड्रोन उड़ाते हुए काफ़ी ज़्यादा हवा तेज़ हो गई थी और मेरे हाथ शल हो गए तकरीबन। अभी मैंने ग्लव्स पहने हैं लेकिन सर्दी बढ़ गई है, हवा तेज़ है क्योंकि।
ये है जी मेरा आज का दिन बर्फ़ में, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए, पता चलता रहता है क्या कमियाँ हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।